हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। यह जॉब नोटिफिकेशन वेबकोस वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से 15/1/2021 को जारी किया गया है, जो इंजीनियर ट्रेनी, इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए रिलीज किया गया है। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, जिसका सैलरी पैकेज भी 40,000 से 1,40,000 रुपये महीने तक का है। बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पर आप लोगों को दी जाएगी अगर आप सिलेक्ट होते हैं। तो डिटेल में इस जॉब नोटिफिकेशन की बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और अप्लाई कैसे करना है, जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वेबकोस लिमिटेड एक गवर्नमेंट इंडिया अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका ऑफिस गुड़गांव सेक्टर 18 में है। आप देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन 15/1/2021 को जारी किया गया है, जिसमें वेबकोस लिमिटेड में रिक्वायरमेंट है सिविल इंजीनियर ट्रेनी, सिविल इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर की। आइए इसकी डिटेल के बारे में देख लेते हैं। पहली पोस्ट है इंजीनियर सिविल के लिए, जिसके लिए पे स्केल 40,000 से 1,40,000 तक रखा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2021 तक आपकी मैक्सिमम एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 2 साल का होना कंपलसरी है इनमें से किसी भी फील्ड में, 1/1/2021 तक। नंबर ऑफ वैकेंसी इसकी 2 है, जिन्हें इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग किया जा सकता है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के बेस पर। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपने बीटेक या बी किया होना चाहिए रेगुलर बेसिस पर। इसी कैटेगरी में सेकंड पोस्ट है इंजीनियर ट्रेनी की, जिसकी सैलरी फिक्स रहेगी 48,000 रुपये महीना। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल की है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट भी 3 है। इसके लिए भी आपने रेगुलर बेसिस पर बीटेक या बी सिविल से की होनी चाहिए और आपकी लोकेशन इंडिया में कहीं भी हो सकती है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के बेस पर। दूसरी कैटेगरी में भी इंजीनियर सिविल और इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट है, जिसकी मैक्सिमम एज 30 साल है और इंजीनियर की पोस्ट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। और इंजीनियर ट्रेनिंग में ही एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। यह पोस्ट सिर्फ केरला रीजन के लिए है, आपकी पोस्टिंग सिर्फ केरला में ही रहने वाली है। पे स्केल सेम रहेगा इंजीनियर के लिए 40,000 से 1,40,000 रुपये तक और इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए 48,000 रुपये महीना। क्वालिफिकेशन भी सेम रहेगी, बी और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। थर्ड पोस्ट है सीनियर इंजीनियर की, जिसका पे स्केल 50,000 रुपये महीने से 1,60,000 रुपये पर मंथ तक रहने वाला है, जिसकी मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। इसके लिए 9 साल का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, 5 साल एज ए असिस्टेंट इंजीनियर और 4 साल एज ए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इसकी भी नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, जो सिर्फ केरला रीजन के लिए है। क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, मिनिमम 60% मार्क्स मैंडेटरी है दोनों बीई और बीटेक वालों के लिए। इसे अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है, वह जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए तो 1,000 रुपये है और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है। जो फीस आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में वेबकोस लिमिटेड के नाम से पे करनी होगी। आइए अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। पहली बात, मल्टीपल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं, उन्हें भी प्रॉपर चैनल के थ्रू ही अप्लाई करना है और उन्हें इंटरव्यू के टाइम एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। थर्ड, मैनेजमेंट के पास ये पूरा अधिकार है कि वे इंटरव्यू के टाइम नंबर ऑफ कैंडिडेट फिक्स या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। चौथा, प्रोजेक्ट और कंपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर नंबर ऑफ पोस्ट वेरी कर सकती है। पांचवा, सिलेक्टेड कैंडिडेट को कंपनी की तरफ से कोई भी अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, हालांकि उसे एज पर रूल ऑफ द कंपनी एचआरए हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। एप्लीकेशन सबमिशन से पहले सभी कैंडिडेट ये इंश्योर कर ले कि वे इस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। आपका सीवी प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा में होना चाहिए, जिसका लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सीवी फॉर्मेट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे फिल करने के साथ साथ अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की कॉपी भी भेजनी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और प्रूफ ऑफ कैटेगरी के सभी सर्टिफिकेट। जो भी एससी एसटी या पीडब्ल्यू बीएमडी कैंडिडेट रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आउटस्टेशन से आएगा, उसे कंपनी के रूल के हिसाब से बस और ट्रेन का स्लीपर क्लास का फेयर पेड किया जाएगा ऑन द प्रोडक्शन ऑफ टिकट प्रूफ। इंजीनियर ट्रेनी, इंजीनियर सिविल और सीनियर इंजीनियर की सभी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग उन्हीं डिफाइंड प्रोजेक्ट लोकेशन पर रहेगी। सभी अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए ज्वाइनिंग के समय, और कंपनी किसी भी तरह के पोस्टल डिले होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। तो इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने सीवी फॉर्मेट का लिंक दिया है, उसे डाउनलोड करके सभी डिटेल अच्छे से फिल कर लें।
कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पोस्ट कोड क्या है। फिर इसे पोस्टल कोड में डालकर इस एड्रेस पर पोस्ट कर दें। और ध्यान रहे कि आपका यह पोस्ट 5/2/2021 से पहले ही पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो यह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या क्लैरिफिकेशन के लिए आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे, जहां आपको इस कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर यह एडवर्टाइजमेंट है। आप यहां से भी टर्म एंड कंडीशन और सीवी फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैंने सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां हम डेली आप लोगों के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की अपडेट लेकर आते हैं। और ध्यान रहे कि इस जॉब को अप्लाई करने की लास्ट डेट 5/2/2021 है, इससे पहले ही आप इसे अप्लाई कर दें और आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलता हूं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें अपने चैनल माई इंजीनियरिंग सपोर्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।